गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जस्ट वेट फॉर वन मिनट एंड देन गोपाल योर वॉइस इज नॉट क्लियर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अपने वीडियोस ऑन कीजिए। सोनाली, वैभव, उर्वशी, अनुज, गोपाल भाटी, कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। आप एंड ऑन करने के बाद उसे ऑन रखिए, डोंट स्विच इट ऑफ। ओके ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमने जो है थ्री डायमेंशनल में जो फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि वी define the direction angles, direction ratios and direction cosines of a line. We also saw कि ये दो negative and positive दोनों values इसमें दो sets बनते हैं क्योंकि line दोनों direction में grow करती है unlike a vector. तो अगर हम उसको directed line मान ले तब हम एक set बता सकते हैं, लेकिन अगर नॉन डायरेक्टेड लाइन है यानी कि दोनों डायरेक्शन में जा रही है तो इन चीजों के दो सेट बनते हैं अनलाइक अ वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लाइन की इक्वेशन को थ्री डायमेंशनल में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लाइन की इक्वेशन टू डायमेंशनल में ऑलरेडी जानते हैं, राइट। तो टू डायमेंशनल में हमारा क्या रूल्स होते हैं, रूल्स तो वही रहेंगे लाइन के। अभी भी लाइन का रूल क्या है कि एक लाइन जो है उसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये है कि हमें उसकी डायरेक्शन पता हो कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और डायरेक्शन किससे पता चलती है, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियो किसी भी एक चीज से, या फिर ये कहने से कि ये लाइन किसी और लाइन के पैरेलल है तो हमें उसकी डायरेक्शन पता चलती है। ठीक है, जब हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो डायरेक्शन का हमारा मतलब होता है स्लोप, टू डायमेंशनल, राइट। और ये स्लोप जो होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होता है, स्लोप विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और जैसे ही हम एक्स एक्सिस से स्लोप बताते हैं तो वाई एक्सिस का स्लोप क्लियरली हमें पता चल ही जाता है, राइट। तो y एक्सिस का क्या स्लोप हो जाएगा, अगर x एक्सिस के साथ 10 डिग्रीज है तो y एक्सिस के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा यानी 80 डिग्रीज, राइट। तो वो हम स्लोप से डिफाइन करते हैं डायरेक्शन को 2D में। तो हमें या तो स्लोप चाहिए प्लस हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो ये एक डेफिनेशन बनाते हैं हम 2D में, और दूसरी डेफिनेशन होती है कि हमें टू पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, रूल्स जो है यही दो तरीके से लाइन डिफाइन होती है, चाहे 2D हो चाहे 3D हो, लेकिन जो उसके डायनामिक्स हैं, जो उसमें हमें वैल्यूज देनी है उसमें बहुत चेंज आ जाता है। जैसे कि स्लोप टू डायमेंशनल में केवल एक नंबर होता है, लेकिन जैसे ही हम थ्री डायमेंशनल को स्टडी करते हैं तो खाली स्लोप कहने से बात नहीं चलती, क्योंकि स्लोप एक्स एक्सिस के साथ भी है, वाई के साथ भी है, जेड के साथ भी है। अगर मैं आपको एक्स एक्सिस के साथ स्लोप बताऊं तो आपको वाई एक्सिस के साथ का स्लोप पता नहीं चलता है,
ठीक है, ऑब्वियसली अगर मैं दो बता दूं तो आप तीसरा जरूर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसीलिए रूल्स चेंज हो जाएंगे ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है लाइन का वो अभी भी सेम है कि दो तरीके हैं लाइन को डिफाइन करने, एक है उसकी डायरेक्शन और एक पॉइंट पता हो, या फिर दो पॉइंट पता हो जिसमें से वो लाइन गुजरती है, ठीक है। तो अब हम ये दोनों तरीके से लाइन को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं कि एक लाइन है हमारी, ये एक लाइन है, ठीक है, विच इज दिस लाइन एल, ओके, दिस इज आवर लाइन, ओके। सो दिस लाइन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, हमें दो चीजें पता है, हमें ये पता है कि ये लाइन एक वेक्टर बी है उसके साथ पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यानी वेक्टर बी की जो लाइन है और ये लाइन, प्लस वी आल्सो नो कि देयर इज अ पॉइंट ए ऑन इट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी किसी भी चीज की इक्वेशन हमें डिफाइन करनी है तो हम किस तरीके से करते हैं, जैसे जो हमारा लोकस का कॉन्सेप्ट है, राइट, कि हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं उस कर्व पर, जैसे इस लाइन पे हमने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया पी जिसका की पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। बी कोलन जो है ये एक एक्चुअली कॉन्स्टेंट है, बट किस तरह का कांस्टेंट है, वेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। उसी तरह से ये एक वेक्टर वेरिएबल है और ए कोलन भी एक कांस्टेंट है, वेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सब जो है ये हमें, अब हमें वेरिएबल को इन कांस्टेंट्स के टर्म में डिफाइन करना है, तो देख लेते हैं हम क्या देखते हैं कि अगर हम R वेक्टर माइनस A वेक्टर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें AP वेक्टर मिलता है, ठीक है। तो वी कैन से AP वेक्टर इज इक्वल टू R पोजीशन वेक्टर माइनस A पोजीशन वेक्टर, राइट। लेकिन ये जो है AP वेक्टर, AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर, और अगर ये B वेक्टर के पैरेलल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज लैम्डा B वेक्टर, ठीक है ना, पैरेलल का यही मतलब है। तो इसका मतलब हो गया कि R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर, वी कैन टेक दिस ऑन दिस साइड एंड वी विल गेट R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, देखने में इक्वेशन ऑफ अ लाइन जैसी नहीं लगती, लेकिन इसको हम बोलेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है कि R एक वेरिएबल है, A भी एक कांस्टेंट है और B भी एक कांस्टेंट है, और जो ये लैम्डा है इसकी हम वैल्यू बदलते जाएंगे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर मिलती जाएंगी, ओके। सो जैसे जैसे हम इसको चेंज करते जाएंगे लैम्डा को, हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर विच लाई ऑन दिस पॉइंट मिलती जाएंगी। तो ये एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखने का बहुत ज्यादा अलग तरीका है टू डायमेंशनल से, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी इस फॉर्म को अपने दिमाग में उतारने के लिए, केवल ये पढ़ लिया तो दिमाग में आ जाएगा कठिन है, अगर आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वी आर यूज टू एन इक्वेशन लाइक व्हाट, वी आर यूज टू एन इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। इसमें क्या हो रहा है कि m भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई, एक्स और वाई वेरिएबल्स। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली जो लैम्डा है, जिसको हम ज्यादातर एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं ना, उसको चेंज करने से हमें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर मिलती है। तो ये एक इक्वेशन लिखने का बहुत अलग तरीका है, दिस इज नोन एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ओके, विद व्हाट इंफॉर्मेशन? With one point known on the line and known that the line is parallel to another vector. ठीक है, तो ये जो lambda के साथ जो number है ये parallel वाला vector है, और जो अकेला number vector लिखा हुआ है वो fixed point on the line. ठीक है, इस equation को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, अब जो है इस, ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आना जरूरी है। अब हम उससे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन निकालेंगे। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब केवल जो एक्स वाई जेड के टर्म में इक्वेशन लिखी जाए जिसमें वेक्टर्स का यूज ना, जैसे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस तरह की इक्वेशन हम इससे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा आर वेक्टर है ये वेरिएबल था राइट, तो इसको हम लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर, तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के राइट, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ए एक जो है फिक्स्ड पॉइंट है, तो उसका पोजिशन वैक्टर कैसे लिखेंगे, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस एक्स जेड वन के, तो एक्स वन वाई वन और जेड वन जो है ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है ना, अगर हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हम इसको लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमें एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है और उसमें ये ए बी सी भी कॉन्स्टेंट्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये है क्या, ये है डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, तो अब हम R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी को इस चीजों की सहायता से लिखकर इसका कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे। लेट्स डू दैट। ओके, सो इट टेल्स अस आई प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर is equal to a, okay, which is x1 I vector plus y1 j vector plus z1 k vector plus lambda, okay, a I vector plus b j vector plus k vector. Okay, now this we can put together the coefficients of I and then J and K. So we get X1 plus lambda A plus, okay. Now, how do we solve such equations? We equate the coefficients of each unit vector. Okay, orthogonal unit vectors. जब होते हैं तब हम directly equate कर सकते हैं। तो हमारा आ गया x is equal to x1 plus lambda a. उसी तरह से हमारा आ गया y is equal to y1 plus lambda b. And z आ गया हमारा z1 plus lambda c. ठीक है, तो लैम्डा की टर्म्स में लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, यहाँ पे लैम्डा आ गया हमारा वाई माइनस वाई वन बाय बी, एंड यहाँ पे लैम्डा आ गया जेड माइनस जेड सी। ठीक है, अब एक समय पे तो लैम्डा की सेम ही वैल्यू होनी चाहिए, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, नाउ how do we write that? So the result we get is x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b, and
इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। इसमें ये क्या है, ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट। और ये ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पैरेलल वेक्टर और पैरेलल लाइन और द लाइन इटसेल्फ, राइट। किसी भी चीज की डायरेक्शन रेशियो इज द सेम, राइट। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन, ओके। नाउ ये इक्वेशन ऑब्वियसली देखिए ये बहुत ही अलग तरीके की इक्वेशन है क्योंकि इसमें दो इक्वालिटीज आ रही हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के मुकाबले में ये इक्वेशन बहुत ही अलग लगती है, राइट। सो यू हैव टू डू क्वेश्चंस विद योर ओन हैंड्स एंड यू विल गेट यूज टू दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, then it will not look strange and different, ठीक है। अब a b और c जो है ये proportional होते हैं to l m n n, these are l m n n are direction cosines which are proportional to direction ratios, इसलिए हम a b c की जगह l m n भी लिख सकते। However, अगर हमें ABC पता है तो हमें उससे एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं। अगर एलिमेंट पता है तो एलिमेंट लिख सकते हैं, ABC पता है तो ABC लिख सकते हैं, the equation remains the same, क्योंकि proportional ही है, ठीक है। तो this is the Cartesian form of the equation of a line। अब जो questions आते हैं उसमें ये कई बार specifically mentioned होता है कि आपको वेक्टर फॉर्म निकालना है इक्वेशन का या कार्टेशियन फॉर्म निकालना है इक्वेशन का, तो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने, ठीक है, ओके। तो ये हो गया जब हमें एक पॉइंट पता है और हमें डायरेक्शन, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये चीज हमें अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। Find the vector and the Cartesian equations of the line through the point this. So ये हमारा क्या है, point A, and which is parallel to the vector, ये हमारा vector B है, right? तो इसका position vector क्या हुआ, इसका position vector हुआ 5i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर, राइट। ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, पक्का क्लियर। तो अब इक्वेशन लिख देंगे डायरेक्टली, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर्म, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। सो वी जस्ट गो अहेड एंड राइट दिस, we get 5i vector plus 2j vector minus 4 plus lambda and this is done, okay। So ye hamara answer ho gaya, this is the vector form of the equation, ठीक है। अब हमें लिखनी है कार्टेशियन फॉर्म, वो तो और भी आसान है लिखना। कोई मुझे बताएगा कि कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, सोनाली बेटा आप बताइए कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी इसकी, मैं आपको बता फिर से रिमाइंड कर देता हूं कि ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। तो बताइए क्या बनेगी सोनाली, सोनाली इज लेफ्ट, ओके, हु विल टेल, मनीष,
मनीष यू आर देयर? स्टूडेंट्स आपने अपने कैमरास क्यों ऑफ किए हैं? आपको कितनी बार बेटा रिमाइंड कराना पड़ेगा इस चीज के लिए? और कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप कोई आंसर भी नहीं कर रहे हैं? यस और नो तो बोलिए एटलीस्ट। मनीष पहले आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए तभी आप बात करेंगे। एक्चुअली मनीष यू आर देयर या छोड़ के गए हुए हो? शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द क्लास? आई डोंट थिंक ही इज देयर एट ऑल। एवरीबडी हुज इन द क्लास एक बार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैं आई विल रिमूव द अदर्स, देयर इज नो पॉइंट। अंजलि शर्मा कैमरा ऑन कीजिए अपना। उर्वशी कैमरा ऑन कीजिए। मनीष गोपाल भाटी कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। एक्चुअली गोपाल का कैमरा ऑन था, वो क्यों बंद किया है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। Yeah, Gopal is on now. Bhaskar, switch on your camera. उर्वशी आपने फिर ऑफ कर लिया है, ऑन कीजिए। ऑन ऑफ करते रहते तो पता नहीं सर इतनी डिस्टरबेंस होती है क्लास में, क्यों नहीं समझते हैं ये लोग। हाँ तो अब Good. मुझे हाँ या मैम ओके okay, अब कौन मुझे बताएगा? ये कार्टेशियन फॉर्म मैंने देखी यहाँ लिख दी है, आप मुझे बताइए क्या वैल्यूज डाल के ये पूरी करूं मैं? क्या है कार्टेशियन फॉर्म? डायरेक्टली आंसर लिखा जा सकता है। क्या हुआ? सबने सवाल पूछते ही सबने वीडियो बंद कर लिया। बेटा ये ट्वेल्थ की मैथ्स ऐसे कैसे समझ आएगी? मैं तो पढ़ा लेता हूँ लेकिन समझ कैसे आएगी? ये मुझे नहीं समझ आती ये बात। बेटा क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को कैमरा ऑन करने के लिए? सर इतनी बार आपसे बोल चुके हैं, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, बार बार आप ऑन ऑफ खेल रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? शक्ल दिखाने में इतनी क्या प्रॉब्लम है? आप सर इनकी नेम आप फॉरवर्ड कर दीजिए मैम को। यस श्योर आई विल डू दैट बट यस आज आप इनकी नेम फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि यस आप लोग ग्रोन अप्स है, ऐसा थोड़ी ना करना है। और ये ट्वेल्थ की मैथ्स है राइट, इट इज नॉट इजी। आप साथ में करेंगे नहीं तो सीख नहीं पाएंगे ये राइट। आपका टाइम इम्पोर्टेंट है, ये दिस इज द इम्पोर्टेंट ईयर ऑफ योर लाइफ। ट्वेल्थ के बाद ही कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्या स्ट्रीम आपका डिसाइड होगा, सब इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना? आपको थोड़ा सिंसियरली इस पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्लास में भी एंड आफ्टर क्लास आल्सो। एक्चुअली ऑनलाइन इज इजियर फॉर यू, आपका आना जाना वो सब कुछ भी नहीं आपको करना पड़ रहा है, ठीक है?
यू आर सिटिंग एट द कंफर्ट ऑफ योर होम्स, तो बस लेकिन थोड़ा सा तो यू विल हैव टू अप्लाई योरसेल्फ, ठीक है? तो कोई बताएगा मुझे ये कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? एनीबडी कैन डू इट? No one can do it. देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये this is like the simplest thing to do. X1 क्या है? X1 है, ये है 5. Y1 क्या है? 2. Z1 क्या है? Minus 4. A है 3, B है 2 और C है minus 8. बस उनको लिखना है यहाँ पे और करना ही क्या है इसमें? इसमें आपको लिखना है x माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 2 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 4, सो दैट विल बिकम z प्लस 4 बाय माइनस 8. बस यही तो करना है इसमें. एक्चुअली ये चैप्टर आप ध्यान लगा के करेंगे तो सबसे कम मेहनत का चैप्टर है. इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत है ही नहीं, लेकिन समझ के तो करना पड़ेगा. Okay, so now let's work on the second form of the line. What is the second form of the line? Ki we are given two points and the line is passing through this. Isme hame specifically jo hai, kisse ye parallel hai, wo direction nahi batai gayi. Ye keval do points diye gaye, right? To isko hum kis tarike se karenge? ओके, इसमें एक्चुअली दिस इज इवन एन इजियर फॉर्म टू डू, राइट? व्हाई इज इट? बिकॉज वी हैव अ लाइन एंड वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन इज एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन एंड बी इज एक्स टू कॉमा वाई टू कॉमा जेड, राइट? ये हमें दिया हुआ है. तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको तो हम मान ले अपना पॉइंट ए था ही, राइट? तो एक्स वन वाई वन जेड वन तो है ही, रह गया हमें डायरेक्शन रेशियोज. नीचे लिखते थे हम, नीचे क्या लिखते थे? डायरेक्शन रेशियोज. और दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या होती है? दिस माइनस दिस. सो स्ट्रेट अवे पहले वाले मेथड से ही हमें आ गया, ये न्यूमरेटर तो सेम ही रहा जो था और डायरेक्शन रेशियोज की जगह आ गया x2 माइनस x1 और y के नीचे जो b है ये एक्चुअली दिस इज नथिंग बट a, दिस इज नथिंग बट b एंड दिस इज नथिंग बट c. सो दिस इज इक्वली इजी, राइट? एंड इट्स द सेम फॉर्म रियली. So while we call it two different forms, they are actually one and the same. There is no big difference. It's a fairly easy thing to remember क्योंकि कुछ difference है ही नहीं, ठीक है? तो एक हम question करके देखते हैं. Find the vector equation for the line passing through the points this and this, ठीक है? तो vector equation की तो ऐसी कोई form होती ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? That is where the question is. कि हमें कार्टेशियन फॉर्म तो स्ट्रेट अवे लिख दी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, ठीक है? तो जो हमारा ए वेक्टर है वो तो स्ट्रेट अवे यही हो गया माइनस आई प्लस जीरो जे विच वी कैन लीव आउट प्लस टू के, ये तो ए वेक्टर हो ही गया. अब हमें निकालना है बी वेक्टर. सो बी वेक्टर क्या होता है? पैरेलल टू लाइन ए बी, सो इवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर द सेम, राइट? सो
in place of b vector we can just write ab vector, which is equal to this minus this is just 4i plus 4j, 6 minus 2 plus 4. Okay. Now we have a and b. We just have to write r vector is equal to a vector plus lambda b. So we just say. This is our answer. This is the vector form of this equation. ठीक है, तो दोनों forms जो हैं equation की उनके बीच में shuttle back and forth करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. Okay? The Cartesian equation of a line is given by this. Find the vector equation of the line. ठीक है, तो अब देखिए कि ये जो है ये coordinates of the point A है. तो A vector पहले लिख लीजिए अपना straight away. किस तरह से लिखे होते हैं ये? X minus X1 होता है. ठीक है, तो ये minus करना है. तो यानी कि A will be minus 3i. ये क्या हो जाएगा फिर? प्लस 5j माइनस 6. राइट, दिस इज आवर ए वेक्टर. नाउ व्हाट इज आवर बी वेक्टर? नाउ बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज यहां है और डायरेक्शन रेशियोज पता है तो वी कैन जस्ट गो अहेड एंड राइट इट. अब ए पता है, बी पता है, नाउ द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, व्हाट इज इट? कैन एनीबडी टेल मी नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन? एनीबडी कैन टेल मी नाउ? बेटा मुझे लग नहीं रहा आपको ये समझ आ रहा है थोड़ा भी. नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट कैन टेल सच अ इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस. नो, क्या होती है वेक्टर फॉर्म इक्वेशन? इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म बताइए, रिजल्ट मत बताइए. जो हम वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं केवल वो बोल दीजिए. Who will tell that? उर्वशी, कैन यू टेल दैट? नो, बिल्कुल आप चुप कैसे रह सकते हैं? इफ यू आर प्रेजेंट यू कांट बी सो साइलेंट. द ओनली रीजन यू कैन बी सो साइलेंट इज दैट यू आर एक्चुअली नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. स्टूडेंट सर आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? अंजलि, सोनाली, उर्वशी, कैमरा फिर ऑफ किया है आपने? सब लोगों ने फिर कैमरा ऑफ किया है. आपकी क्लास में मैं देख रही हूँ कि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कैमरा ऑन करने में.
Yeah, other standards are actually switching on their cameras. सर उनको बार बार इतना नहीं बोलना पड़ रहा है, मतलब वो हाँ एक दो बार के उसमें ऑन कर लेते हैं, लेकिन 12th क्लास में पता नहीं इन बच्चों को क्या प्रॉब्लम है। कैमरा ऑन कीजिए अंजलि, उर्वशी, वासु मित्तल, स्विच ऑन योर कैमरास। बेटा सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? यस और नो, कुछ तो आपको आंसर करना चाहिए ना। ओके किसी को वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी याद नहीं हुई इतनी देर में कि आखिर इक्वेशन क्या है, उसमें वैल्यूज डालना छोड़िए। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इतना ये तो मतलब लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है। No one. You can't remember this. How difficult is this to remember? For class 12th students, this should be child's play. इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसा कोई लंबा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं है। बस इसमें वैल्यूज डालने हैं, यहाँ पे ए वेक्टर लिखना है, फिर लैम्डा के आगे बी वेक्टर लिखना है, इतना ही तो है। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। बेटा थोड़ा सिंसियरली करिए, वरना दिस इज गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट इन द एंड नियर द एग्जाम्स। ठीक है, चलिए अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, बट आई वॉन्ट बेटर रिजल्ट नेक्स्ट क्लास, राइट? अदरवाइज वी विल नॉट लर्न एनीथिंग एट ऑल। ओके चलिए, ओके, बाय बाय।